जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तिरंगा तव शुभ नाम जागे तव शुभ आशीष मांगे जय गाता जनगण मंगल दायक जय है भारत भाग विधाता जय है जय है जय है जय 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 है सदर भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद हम हिंदुस्तानी है हिंदुस्तान हमारा है मोदी तेरे जानिसार बेशुमार जुल्मी जब जुल्म करेगा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा निकलो बाहर मकानों से निकलो बाहर जंग लड़ो बेईमानों से मजलूमों की लड़ाई है। आज यूमी जमहूरियत के दिन पर मैं तमाम साथियों को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं और हम सब जानते हैं कि इस दिन की अहमियत क्या है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुल्क को कानून बनाने में बहुत बड़ा अहम रोल निभाया है। ये आज वही दिन है डॉक्टर साहब बाबा अम्बेडकर ने इसकी बुनियाद डाली है। पैदा करें और हम इन गरीबों का सहारा बने जिन गरीबों को आज तक यहाँ के बकार सियासतदानों ने लूटा। अब हमें एकजुट और एक दूसरे के साथ गांव का इख्तलाफात छोड़ के अपने इख्तलाफात छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को हर बल तक पहुंचाना है और इस गरीब को इतना ताकत देना है इतना ताकतवर बनाना है कि इसमें मैं इसके साथ जिंदगी में इसके साथ मैं कहीं इलाकों में चला गया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और जितने मुझे फोन आते हैं आज जिनके साथ रहता है वो रविकाईनाथ जानता है। मैं रविकाईनाथ की कसम खा के कहता हूं रातों की नींद मुझे हराम है। मैं सो पाता हूं मैं खा पाता हूं कि हमारे गरीब आवाम के साथ इन 40-50 सालों में क्या हाल हुआ है और ऐसी दास्तानें सुनता हूं कि मैं सोच रहा हूं जो 70 सालों से हुकूमतें बनी है उन्होंने इस आवाम के साथ कौन सा इस मिसाल किया। ये इस गरीब आवाम को फैसला करना है क्योंकि हर वक्त ये गरीब ही इन हुकूमतों को बनाता है। अगर गरीब निकलेगा अगर गरीब उठेगा तो सरकारें हिलती भी है। मेरे अजीज साथियों सबसे अहम है हमारे लिए जो वजीर आजम हिंद नरेंद्र
सबके लिए भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, वो एक ही शख्स है जिसने इस गरीब को इतना मजबूत किया, इतना ताकतवर किया, आज वो अपना वृक्ष मैयार कर देता है और इस गरीब आवाम की आवाज को उजागर करता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने हंदवाड़ा में यौम जमहूरिया का दिन मनाया और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा ले लिया और जोश व खरोश से इस दिन को मनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे हिंदुस्तान को वो कानून बना के दिया जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई इख्तिलाफात और सब के लिए बेहतरीन कानून और संविधान बना कर दिया। मैं समझता हूँ बाबा साहब अंबेडकर ने उस वक़्त सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला भी लिया और सबसे बड़ा कदावर लीडर हिंदुस्तान में है और इसका नाम कयामत तक रोशन रहेगा और हम भी कोशिश करेंगे इनके जो विचारधारा थी इस दायरे में चलने की कोशिश करेंगे। और ख़ासकर मैं जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं इस महत्वपूर्ण दिन पे। और आज जो लिंगेट कंस्टिट्यूंसी के कार्यकर्ता यहां पे आए थे, ज़िले कुपवाड़ा से लोग आए हुए थे, हमने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा हर घर में लेके जाएंगे और अपनी विचारधारा लेके जाएंगे और यहाँ से ज़िले कुपवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के MLAs असेंबली के ऐवान में ज़िले कुपवाड़ा की आवाम की आवाज़ को उजागर करेगी। मैं ख़ासकर जम्मू कश्मीर के आवाम और उन नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएं जिससे इनकी ज़िंदगी रोशन हो जाए। मेरे ख़्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर ऐसे या बाकी जो लीडर जिनकी साख़त ख़त्म हो चुकी है वो नून में नुक्ता निकालते हैं। ये कुछ नहीं है किसी मुसलमान के लिए, नहीं है कि वो पढ़ें भाई ज़बरदस्ती, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पढ़ना चाहते हैं पढ़े, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं मत पढ़े, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो बांट रहे हैं। देखो ये इनकी राजनीति रही है कश्मीर में, पाकिस्तान का तो ख्वाब इनको चला गया, चीन का ख्वाब चला गया, अब राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। मगर ये मुसलमान बाखबर है और शरीयत जानने वाले हैं, इंशाल्लाह रहमान इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।